अस्सलाम, मेरा नाम उस्मा हफीज है और आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग कैनवा फाइवर बैच 3 के। और आज मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव मीटअप अरेंज किया है ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें कि ये जो 2 महीने का जर्नी सबने मेरे साथ गुजारा और हमने क्या क्या लर्न किया मिलकर साथ में और क्या क्या चीज़ें सीखी इस कोर्स में। तो मैं पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मेरे साथ हिना है, हिना बिलाल है, आलिया है और सुमेरा है। और सबसे पहले तो मैं हिना को कहूँगी, हिना अगर आप अनम्यूट करें और थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम, जैसे कि आप सबको पता है, कि हिना बिलाल है और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। और अभी मैंने जो है कैनवा और फाइबर का कोर्स आपसे सीखा है। जितना भी मेरा थ्रू आउट ये रहा है, 2 मंथ्स का कोर्स था, ये बहुत बेहतरीन था मेरे लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया। पता कि आप बीमार भी हुई, फिर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आप लेके चली हैं आगे। अच्छा हिना, आपने जो है वो फ्रीलांसिंग की ABCD का सेशन भी अटेंड किया था जो जी दो मैम, घंटे का हुआ था, तो जब आपने वो सेशन लिया तो उसके बारे में बताएं कि वो सेशन कैसा था। जब फर्स्ट सेशन हुआ था, उससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कैनवा क्या होता है ना। उस सेशन को लेने के बाद मुझे मालूम हुआ था कि कैनवा को किस तरह से यूज किया जाता है। फिर फर्स्ट सेशन में ही आपने जो है वो थंबनेल्स बनाना हमें सिखाए थे, जिसकी वजह से और इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम लोगों को इसको आगे डिटेल में भी करना चाहिए, जिसकी वजह से फिर मैंने ये डिटेल कोर्स लिया था। ठीक है, तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए? आप जैसे कि एक हाउसवाइफ थी, तो कैसे आपको एक मोटिवेशन मिली कि नहीं मुझे कुछ करना है? और क्या आप वहाँ पे, आपके पास जैसे कि आप लाहौर से बिलोंग करती हैं तो आपके करीब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आपको किस चीज़ ने ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया कि नहीं मैंने ऑनलाइन पढ़ना है और मैंने कुछ सीखना है? मैंने, जैसे कि आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ्स के लिए जो है वो बाहर निकलना प्रॉब्लम होता है, जाहिर बात है बच्चों के साथ बहुत मसला हो जाता है। इसलिए मैं ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाह रही थी, यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से शुरू किया जाए। इससे पहले कुछ बिजनेसेस होम बेस्ड स्टार्ट किए थे, जो कि मुझे इतने जो है वो यूजफुल नहीं हुए मेरे लिए। फ्रोजन फूड का भी स्टार्ट किया तो उसमें मुझे इतना फायदा नहीं हुआ। फिर मैं यही चाह रही थी कि ऑनलाइन का सुन रही थी मैं कि वहां पे कामयाबी होती है, इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं इसको स्टार्ट करूं, ऑनलाइन कुछ सीखूं। तो फिर मैंने आपको देखा सर, रेहान अला वाला के साथ उनके ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने आपको वहां पे देखा, फिर मैंने आपको अप्रोच किया। तो आपने जब ये कोर्स नहीं स्टार्ट किया था और उस टाइम आप क्या समझती थी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना था, और आज 2 मंथ्स के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं? क्योंकि आज आप लाइव भी आ गई हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट जब आपने सेशन लिया था तो आपने मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, फीडबैक दिया जी था। मैम, तो ये जो जी ऑडियो मैम, से वीडियो तक का सफर है, ये आप क्या समझते हैं कि इससे आपकी कितनी ग्रूमिंग हुई, कितना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ? एक सिर्फ कैनवा ही आपने या फाइबर नहीं सीखा बल्कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, तो इसके बारे में बताएं। ये सब तो आपकी वजह से है कि आपने हम लोगों के अंदर जो है वो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया हुआ है कि अब हम लोग लाइव आने से जो है वो हिचकिचा नहीं रहे। पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो रही थी लाइव आने के लिए और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस देने की वजह से कि आपने मुझे कहा कि कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बेहतर जाना कि मुझे आना चाहिए। ये हमारे अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग आगे आए। ठीक है, तो इस दौरान में जब आप ऑनलाइन आई, आपने वीडियोस रिकॉर्ड की और आपने अपना काम शो किया, है ना, जो है वो बहुत अच्छी एनिमेटेड बच्चों की वीडियोस बनाती हैं कैनवा के ऊपर, और बहुत ही अच्छी इनकी वॉइस है जो जिसपे ये वॉइस ओवर भी करती हैं। तो है ना, जब आपने ये वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू की, तो कैसे आपको क्या लोगों ने अप्रोच किया आपको? आप अपने बताएं कि आपको क्या कुछ क्लाइंट्स भी थे जिन्होंने अप्रोच किया और पूछा कि आप क्या काम कर रही हैं और किस जी आपकी कोई मैम, इंटरेक्शन हुई क्लाइंट्स के साथ?
जी मैम, मैंने जब अपलोड किए हैं वीडियोस तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने जो है वो अप्रोच किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है वो ये काम करती हैं, आपका कुछ लोगों को अच्छा लगा काम, और कुछ लोगों ने बस ऐसे ही जस्ट मालूमात हासिल करने के लिए भी किया कि आपने सीखा कहाँ से है, कहाँ से आप हमें भी सिखा दें। फिर मैंने आपका उनको बताया कि मैंने मैम से सीखा है, आप उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट करें। तो कैनवास सीखने की वजह से ही मुझे एनिमेटेड वीडियोज़ बनाना आई, जिसको फिर मैंने ये जाना कि मैं उसको अच्छे तरीके से आगे भी लेके चलूं। जो आपने मुझे फिर उसमें जब आपने मुझे कहा कि मैं वॉइस ओवर्स अच्छे हैं, तो मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं और भी वॉइस ओवर्स करूं। तो आपकी आप जब आपने ये कोर्स नहीं स्टार्ट किया था तो आपकी क्या जो प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उस पे आपकी कोई एग्जिस्टेंस थी इंडिविजुअल नो या मैम, सब चीज़? नो मैम, कुछ भी नहीं था, बस जस्ट फैमिली की हद तक ही था। फैमिली मेंबर्स ही एडिट थे, कोई इतने ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। 12-15 मेरे ख्याल में बस होंगे मेरे पास। अब मेरे पास माशाल्लाह 200 के करीब हैं मेरे पास, जो हम लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं कुछ, और कुछ जो हैं जो क्लाइंट्स आए थे उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वो एक्सेप्ट हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच हिना। अपने हिना जो है वो फ्रीलांसिंग के एबीसीडी टीचर भी हैं, और इन्होंने जो मेरा स्कूल है ऑनलाइन अर्निंग स्कूल, उसको भी ज्वाइन किया है। उसमें एज अ टीचर जो इन्होंने सीखा वो आगे सिखाने के लिए भी तैयार हुई हैं। और अब हैं जी आलिया। आलिया, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका जर्नी कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया हूँ और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। पहले मैं पेंटिंग्स बनाती थी और इसीलिए एक आर्ट के साथ तो रिलेट थी, लेकिन आजकल के ज़माने में पता है पेंटिंग्स को इतनी खरीदता नहीं है, तो मुझे था कि मैं किसी और साइड पे भी आऊँ। तो डिज़ाइनिंग वगैरह में मेरा पहले से इंटरेस्ट था, तो कैनवा की भी थोड़ी बहुत नो हाउ थी, लेकिन उसमें प्रोफेशनल में बिल्कुल नहीं थी और इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती थी। तो फिर मैंने ये रेहान अल्ला वाला का जो है फेसबुक पेज वगैरह जो है और उनका यूट्यूब पे लिंक जो है वो मैं ऐड हुई उसमें, तो वहाँ से ही मुझे आपके बारे में पता चला और मैंने फिर आपकी वो क्लास का ऐड देखा वहाँ पे और फिर मैंने ज्वाइन किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस भी, और बहुत कुछ सीखने आपने को क्या मिला, नई नई क्या बहुत कुछ चीजें जो लर्न था की? पहले पता था कि ये लोगो वगैरह के बारे में थोड़ा आइडिया था पहले। मैं काफ़ी देर पहले ना ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का उस वक्त डिप्लोमा हुआ करता था टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से ना, वो किया हुआ था, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल कुछ भी नहीं किया कभी। हमारे दौर में उस वक्त मतलब स्टार्टिंग था ना, वहाँ से टीटीसी जर्मन आए थे, उन्होंने कहीं स्टार्ट किया था, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर से रिलेट कुछ नहीं था। तो अब ये स्टार्ट किया तो लोगो वगैरह के बारे में पता चला कैसे बनाना है, सीवीज के बारे में पता चला कैसे बनाना है, बिजनेस कार्ड्स वगैरह, फ्लायर्स, लेकिन हर चीज में आपने बहुत डिटेल से बताया कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन चीजों को कैसे डिजाइन करना है और क्या टेक्निक्स हैं और रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी करनी है। और पहले इतना यूज करते हुए ओपनली यूज नहीं करते थे कि हाँ भाई ये भी लगा लो, ये भी उठा लो यहाँ से, ये चीज ले लो, लेकिन आपने इतना कॉन्फिडेंट बनाया हमें कि हम फ्रीली उन चीजों को यूज करके टूल्स को अब आराम से अपना काम कर लेते हैं। थैंक यू आलिया। असल में ये जो कोर्स है फ्रीलांसिंग की एबीसीडी का सेशन भी, और फ्रीलांसिंग कैनवा फाइवर स्किल, कैनवा कोई सीखना मुश्किल काम नहीं है। हर कोई कहता है कि ये तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, जी इसमें कोई इतना मसला नहीं है, हम कर ही लेते हैं। इस कोर्स के दौरान ये असल में एक पूरी जर्नी है, जिस जर्नी में आप सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि आप बहुत ज़्यादा और चीज़ें लर्न करते हैं।
आपका जितना से जी मैंने हिना को बताया कि ये ऑडियो से वीडियो तक का सफर है, और जब आप सबके सामने आ जाते हैं, आप अपने काम को दूसरे लोगों को शो करते हैं, तो तभी लोगों को पता चलता है कि आलिया कौन है, हिना कौन है, सुमेरा कौन है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर हमें स्किल्स अच्छी आती हैं लेकिन हम लोग घर में बैठे हुए हैं और लेकिन हमें कोई जानता ही नहीं है, हमें कोई कैसे जानेगा जब तक हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं। आपने एनिमेटेड जी वीडियोस बिल्कुल बनाकर जब सामने लाई थी तो लोगों को पता चला कि अच्छा आपके अंदर ये स्किल है। तो हम चीजों को सीख लेते हैं लेकिन उनको हमें प्रेजेंट नहीं करना आता, हम दूसरों को बता नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो ये जो जी आप क्या समझती हैं कि अगर खवातीन के लिए जो है वो इस तरह से घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से पढ़ना जो है वो कितना अच्छा है, एज कम्पेयर टू कि वो इतनी मुश्किलों से किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां जाकर वो टाइम स्पेंड करें और अपना उनका घर भी इग्नोर होता है और उनका अपने भी अभी मुश्किल होती है। तो इसके बारे में बताएं कि आपका ये ऑनलाइन जो है ना, ये आप क्या समझते हैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस है? नहीं, ये जो हम घर में बैठी खवातीन है ना, उनमें से बहुत सारी जो हैं हमारे मुआशरे के मुताबिक बहुत सारी जो हैं, कोई पोजेसिव है, कोई पर्दा करने का है प्रॉब्लम है, या कोई है जो बाहर निकलने से घबराते हैं। और बहुत से घरानों में ऐसे है कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है कि अलग से एक टाइम निकाल कर आप बाहर जाओ, और इतने इतने फासलों पे इंस्टीट्यूट्स हैं, और आप कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे। और ये ऑनलाइन फैसिलिटीज मेरे ख्याल में तो ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इससे ख्वातीन को घर बैठे आराम से अपने बच्चों में रहते हुए भी वो आराम से अपना एक जो कमिटमेंट है टाइम की, उसकी उसके मुताबिक वो अपना दे देती है, और उसको घर बैठे ही ये अर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया है उसको। फ्रीलांसिंग क्या क्या के जरिए वो आराम से चलो अर्निंग करती है। ठीक है, थैंक यू आलिया। सुमेरा है, सुमेरा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। जी, सुमेरा जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इन्होंने गेन किया जब पहली दफा इन्होंने लर्न करना स्टार्ट किया था, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। कैनवा का नाम इन्होंने नहीं सुना हुआ था कि कैनवा क्या होता है, तो क्योंकि ये सबसे सिंपल ऐप है, जिसको ये पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है उसको कहीं से तो स्टार्ट करना है ना। अली आप अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। नहीं, वो हो हाँ तो सुमेरा अपना स्टार्ट से बताएं कि आपने जब कैनवा स्टार्ट किया तो मोबाइल में कैनवा भी समझ नहीं आ रहा था कैसे इंस्टॉल करूं, कैसे इसको यूज करूं, तो शुरू से अपनी जर्नी बताएं। जी मैम, मुझे तो ऑडियो और वीडियो करने में भी बहुत मसला था, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं मैसेज करूं किसी को, लेकिन आपने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत बहुत लर्न किया है आपसे। ठीक है, तो अब आप कोर्स लेने के बाद आप क्या समझती हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है, या आप किस तरह से वीडियो वीडियो तक का जो आपका सफर है उसका बताइए कि कैसा रहा? जी मैम, अब तो बहुत ज्यादा कैनवा की भी समझ आ गई है, और फाइवर की भी बहुत कॉन्फिडेंस है पहले से बहुत ज्यादा। तो जो आपके बच्चे भी आपके साथ काम करवा रहे होते हैं, आप उनसे सीख रही होती हैं, वो आपको सिखा रहे होते हैं, तो आपको क्या चेंज लगा कि घर में आपके एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हुई? जी मैम, टाइम निकालना पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इतना नहीं है। बच्चों से, बच्चे भी सिखाते हैं मुझे। पहले तो बस व्हाट्सएप, बस इसी चीज का पता था कि मोबाइल पे कॉल कर ली, अटेंड कर ली, या किसी को कॉल कर ली बस। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सुमेरा। अब अपना माइक म्यूट कर लें। शाहीन, अस्सलाम वालेकुम शाहीन, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हिम्मत की आने की सामने, और आपकी हिम्मत को देख के बहुत सारी हमारी सिस्टर्स हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, वो भी उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी कुछ कर सकती हैं, अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के वो बहुत चीज़ें लर्न कर सकती हैं, अपने घर की इन्वायरमेंट चेंज कर सकती हैं, अपने बच्चों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकती हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। तो शाहीन आप भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। शाहीन बहुत अच्छी ग्राफिक ठीक है डिजाइनर हैं, सर, बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया। डिजाइन करती हैं, और अब बाकी आप अपने बारे में खुद बताएं। जी मैम,
जी मैम, मैं लाहौर से हूँ और बेसिकली मैं स्कूल टीचर थी, काफ़ी अरसा से स्कूल में टीचिंग कर रही थी। लेकिन वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये होता था कि एक तो हर इग्नोर होता था, बच्चे इग्नोर होते थे, और इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है इतने। तो मेरे जहन में ये बड़ी देर से आइडिया चल रहा था कि कुछ ओके शाहिन का आई थिंक वो हो रहा है प्रॉब्लम इंटरनेट का। तो हिना आप मुझसे कोई पूछना चाहें, मेरा जर्नी पूछना चाहें, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं जब तक कि शाहिन जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लेती हैं। जी मैम, मैंने आपसे बल्कि यही पूछना था कि जब हमारा कोर्स शुरू हुआ था, काफ़ी आपकी तबीयत भी उस टाइम ख़राब हो रही थी, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ा रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आती हैं आप? अच्छा, मेरे जो है वो छोटी बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं मेरी, एक 7 साल की है, एक 3 साल की है और एक 2 साल की है। तो सारी एनर्जी तो वो ज्यादातर वही ले जाते हैं। लेकिन जो है ना, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ पैशन होता है कि आपने कुछ करना है, और आपकी वजह से जो है वो अगर किसी और की जिंदगी में कोई चेंज आ सकता है, ठीक है, तो फिर आप हिम्मत बांध देते हैं, फिर आपके अंदर एनर्जी भी आ जाती है। अक्सर आपने देखा है कि इना लोग ख्वातीन कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमने घर के काम भी करने होते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, खाने भी बनाने होते हैं, मैके ससुराल भी संभालने होते हैं, तो हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपने अपने लिए कैसे, हम खुद कैसे पढ़ें। तो आप देखिए कि वो फिर भी 1 घंटा ड्रामा देखने के लिए टाइम निकाल ही देती हैं, वो 1 घंटा शॉपिंग करने के लिए टाइम निकाल ही देती हैं, ठीक है, वो कोई भी अपना, उनको जो अपना काम पसंद होता है वो उसके लिए 1 घंटा लाजमी निकाल लेती है। औरत के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उसको अल्लाह ताला ने बॉर्न लीडर पैदा किया होता है, उसको किसी ने बच्चे पालने सिखाए नहीं होते कि बच्चे कैसे पालते हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं हासिल की होती उसने, ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो है वो बिल्ट इन किया होता है कि वो घर भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती है, इतने काम करने के बाद भी वो खामोश रहती है, और वो जो है सारा कुछ खुद ही मैनेज कर लेती है, सह लेती है। तो ये इस एबिलिटी को सिर्फ क्या होता है कि राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करना होता है। तो मैं जब देखती थी कि मुझे खवातीन जो है वो सोशल मीडिया पे गानों में, ड्रामों में, डांसेस में, इन चीज़ों में तो नजर आती थी, लेकिन कहीं पे पढ़ती भी नजर नहीं आती थी, कहीं पे प्रोडक्टिव काम करते हुए नजर नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि मैं सामने आ जाऊं, जब मैं सामने आऊंगी तो एज एन एग्जाम्पल सब खवातीन मुझे देखेंगी और वो मेरे मुझसे इंस्पायर होके वो भी हिम्मत करेंगी कि वो सामने आ सकें और वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लर्निंग की तरफ डाइवर्ट कर देंगी। तो मैंने जिस तरह से जो टाइम मैं ड्रामा देखने में वेस्ट कर सकती थी, वो टाइम जो मैं बातें करने में वेस्ट कर सकती थी, वो टाइम जो मैं आसपास खवातीन को कॉल्स करके या किसी और को कॉल, हम खवातीन बहुत लंबी लंबी कॉल्स करती हैं, तो कॉल्स पे टाइम वेस्ट करती थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। सिर्फ मेरे जहन में यही था कि मैंने पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है, मैंने जितनी तालीम हासिल की है, अगर ये तालीम सिर्फ मेरे अपने लिए और मेरे बच्चों की हद तक है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बाकी खवातीन तक भी पहुंचनी चाहिए। और अगर एक किसी भी घर में एक खातून भी जो है वो अच्छा पढ़ गई तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा उनकी अपनी फैमिली में भी और उनके अपने बच्चों में भी। तो क्योंकि अगर आप किसी एक मर्द को पढ़ाएं तो वो उसी मर्द की हद तक रहता है, लेकिन अगर किसी भी एक खातून को पढ़ा दें तो वो उसके बच्चों में आगे चला जाता है। तो ये इस चीज़ में जो है वो मैं मुझे एनर्जी थी, हमेशा से थक जाती थी कि नहीं हो रहा, मुश्किल लगता था, लेकिन फिर मुझे जो है ये एनर्जी मिल जाती थी कि नहीं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, उनको कोई चाहिए कि जो उनके सामने खड़ा हो और उनको अपने साथ लेकर चले। चले जी, हिना का तो मेरा ख्याल है फिर इंटरनेट का हो गया। जी आलिया, आप कुछ पूछना चाहेंगी मेरे से? हाँ जी कोई भी बिल्कुल क्वेश्चन जो मैम, आपके आप, जहन में हो। हाँ जी मैम, आपकी तो एजुकेशन माशाल्लाह मतलब ठीक भी है और आप बहुत अच्छी जॉब भी कर रही थी, तो उसके साथ आप कैसे इस साइड पर आई?
अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब जॉब कर रही थी, मैंने 2013 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मास्टर्स भी किया, एमएस भी किया, और उसके बाद जो है वो मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी काम करती रही। मैंने एज अ टीचिंग फेलो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, मैंने जो है बीकन हाउस में भी 7 साल पढ़ाया। तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे फिजिकल जॉब्स करती थी। लेकिन जब मैंने एक दिन यूट्यूब पे सर रेहान अलावाला को सुना कि वो कह रहे थे कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत जो है वो छोटी चीजों के लिए रखा हुआ है, आप इससे ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, आप जो है वो आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिए। तो इतने अरसे जो मैं फिजिकल जॉब्स करती थी, वहां पे मैं मैक्सिमम अर्निंग इतनी अच्छी नहीं कर पाती थी, और अर्निंग करने के साथ साथ मेरी वजह से किसी और के अंदर चेंज नहीं आ रहा था। तो मैंने जो मेरा ज्यादा, क्योंकि ड्रीम ही ये था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में चेंज जरूर आना चाहिए, और वो पढ़ाने के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो तब तब ही वो एक चेंज आप आगे जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन का मेरा सफर है, मैंने जब सर रेहान अलावाला को सुना तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। मुझे उस दिन समझ आ गई थी कि अब मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे मेरे एक टीचर मिल गए हैं, मुझे प्रॉपर गाइड करने वाले मिल गए हैं। थ्रू आउट द लाइफ जो है वो हम गाइड करने वाला शख्स ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें बताएगा, कौन हमें मोटिवेट करेगा। मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी कि मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है लेकिन मैं अपने एबिलिटीज के मुताबिक जॉब नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मैं छोटे बच्चों के साथ मेरे लिए कहीं बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैं फिजिकल जॉब्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो छोटे बच्चे मैं किसके पास छोड़ के जाती, मेरे लिए प्रॉब्लम थी। तो मैं अगर घर बैठ जाती तो मुझे पता था कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगी, और मुझे ये चीज और तंग करेगी कि मैं इतना पढ़ के भी घर बैठ गई हूँ। तो फिर मैंने ऑनलाइन लर्न करना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी चीजें आती थी लेकिन उनको और अपग्रेड, क्योंकि डे बाय डे चीजें जो है वो चेंज हो रही है, नई से नई चीजें आ रही हैं। तो फिर मैंने सिर्फ एक चीज जो है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ी, और वो लर्निंग थी। मैंने यूट्यूब के थ्रू बहुत ज्यादा लर्न किया, मैंने बहुत ज्यादा कोर्सेज किए, मैंने घर बैठ के कैम्ब्रिज सर्टिफिकेशन की और बहुत ज्यादा 50+ कोर्सेज किए, और फिर सर रेहान अलावाला को अप्रोच किया और उनका विजन देखा कि वो गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे और हिम्मत दिलाई, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप ये काम कर सकती हैं, और जब तक हम सारी खवातीन शामिल नहीं होंगी इस उनके विजन में, तब तक पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो तरक्की कर सके। तो इस चीज़ ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और आज मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं। इससे पहले मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे शहर के थे जहाँ पे मैं पढ़ाती थी, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया की खवातीन को पढ़ाती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो मैं आज पहले से बहुत ज्यादा मेरा जो है वो सर्कल बढ़ चुका है, मेरा नेटवर्क बढ़ चुका है, मेरा इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट हो चुका है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो पहले मैं अपनी फील्ड से डाइवर्ट हो गई थी, मैं वापस अपनी फील्ड में आई, और उसकी राइट डायरेक्शन जो है वो देने में सर रेहान अलावाला का बहुत बड़ा किरदार है। वो बहुत जो है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और गाइड किया। जी शाही, इसके अलावा आलिया और कुछ है पूछना? हाँ जी, ये मैंने आपसे पूछना था कि ये आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो इसके बाद से मतलब आपको कितनी देर लगी कि आपको आगे से रिस्पांस अच्छा मिले और मतलब ठीक है। क्लाइंट्स आए और इस तरह, और मैंने जब किस काम फील्ड में शुरू किया आई थी था, आप? किस ईयर में आई थी, मुझे तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है फेसबुक पे आए हुए। इससे पहले तो मैं ऑनलाइन, मेरा कोई नामो निशान नहीं था। मैं जब 2021 में फेसबुक के ऊपर आई तो सिर्फ सर रेहान अलावाला को फॉलो करने के लिए आई थी कि देखूं फेसबुक पे ये कौन है, ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो जब मैंने उनको फेसबुक पे देखा और उनके कामों को देखा, तो मैंने क्योंकि उनसे जो है उनको मैंने मैसेज किया कि भाई मैं भी ये काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें वीडियो बना के। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं अपनी वीडियो बना के कैसे इंट्रोडक्शन दूँ, मैं तो टाइप करके दे सकती हूँ कि मैं कौन हूँ लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब वीडियो बना लेंगी तो फिर मुझसे बात कीजिएगा।
फिर मैंने कहा अब तो इनसे बात करने के लिए तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने अपलोड की, तो बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज हैं जो कि लोगों ने बताई कि आपके अंदर हैं। हम खुद को जो है वो बहुत कमतर समझते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर कुछ है नहीं, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, आप तो बहुत अच्छे काम कर सकती हैं। और आप, और लोगों ने बताना शुरू किया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। और उस एक वीडियो ने मुझे बड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप कोर्स नंबर वन करें। कोर्स नंबर वन जो है वो उनका फ्री में अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि अब आप ये जब कोर्स नंबर वन कर लेंगी तो फिर मेरे से बात कीजिएगा। फिर मैंने कहा चले जी, एक और टास्क मिल गया। फिर मैंने कोर्स नंबर वन जब ओपन किया तो वो काफी बड़ा कोर्स था, और वो जो है उसमें लिखा हुआ था कि आपने क्या करना है कि आपने 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने हैं, मेरे 500 दोस्त मेरे आपने म्यूचुअल बना लेने। तो वो फ्रेंड्स बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी कहा था कि आपने भी फ्रेंड्स बनाने, इसी तरह से 500 का टारगेट बहुत ज्यादा मुझे बड़ा लगा, लेकिन मैंने बस करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने उन तक पहुंचना था, उनकी गाइडेंस हासिल करनी थी, उनका स्टूडेंट बनना था। तो मैंने वो फ्रेंड्स बनाने शुरू कर दिए, और तकरीबन उस फ्रेंड्स बनाते बनाते मैं 1000 थाउजेंड हाँ 1000 फ्रेंड्स मैंने बना लिए, 1100 बल्कि 1100 फ्रेंड्स जब मैंने बनाए तो मैंने उनको बताया कि मैंने तो 1100 फ्रेंड्स बना लिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो जबरदस्त है, आपको मैंने 500 कहे थे और आपने 1100 बना लिए, तो आप ऐसा करें कि इनमें से 20 का इंटरव्यू ले लें, 20 के साथ आप इंटरव्यू करें। तो मैंने कहा ये ले, अभी तो इतनी मुश्किल से मैंने कितना बड़ा टास्क कंप्लीट किया था, अब इन्होंने कह दिया कि इंटरव्यूज ले लें। तो मैंने कहा चलें ये तो कोई मसला नहीं है, इंटरव्यू लेना मैं सबको कहती हूँ, इनवाइट करती हूँ कि आए मुझसे बात करें, इसी तरह जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ स्ट्रीम यार्ड के थ्रू। और मैंने लोगों को मैसेज करना शुरू किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं हर कंपनी के बड़े सीईओ से, मैनेजर्स के साथ, उन लोगों से बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक्चुअल फिजिकल लाइफ में इन लोगों तक पहुंच नहीं सकती थी। कोई कराची में बैठा है, कोई कनाडा में है, कोई कहाँ है, तो मैं तो वैसे उनसे मिल नहीं सकती थी। तो मैंने कहा अच्छा इस मेरी लिस्ट में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर दुनिया में हैं, मैं तो इनसे भी बात कर सकती हूँ। जब मैंने उनको मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया कि हम नहीं बात कर सकते, कुछ ने जवाब नहीं दिया और कुछ ने आंसर किया। तो सबसे पहले जो है वो कनाडा में डॉक्टर प्रेवन थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरा इंटरव्यू लें। फिर मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, बहुत खुश हुए मेरे से बात करके। और फिर उन्होंने फिर मुझे मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ तो दुनिया ही कुछ और है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो इनसे बहुत सीख सकती हूँ। फिर इस तरह से एक, मेरा इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता था, मैं जिसका इंटरव्यू लेती थी वो मेरा वेट करता रहता था कि मैं डिस्कनेक्ट होके वापस आऊँ, बस पूरे इंटरव्यू में मेरे साथ यही होता रहता था, मेरे पास अच्छा इंटरनेट नहीं अवेलेबल था। लेकिन मैंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी, मैं करती रहती थी, बात करती रही, सबको मैसेजेस करती रही। और इस उसमें जो है वो मैंने 21st पहले 20 इंटरव्यूज कंप्लीट किए, और आज मेरे 70 अबव इंटरव्यूज जो है मैं कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के साथ। और जब मैंने वो 20 इंटरव्यूज कंप्लीट किए तो मुझे उसके बाद समझ आ गई कि ये मुझे टास्क क्यों दिया गया था, मुझसे क्या करवाना चाह रहे थे। तो ये असल में ये जो करने का मकसद है वो यही है कि आप डिफरेंट जब लोगों से मिलते हैं तो वो आपकी एबिलिटीज को पहचानते हैं, उनको पता चलता है आपके अंदर क्या है, फिर आप उनके साथ फ्रेंड्स बनते हैं, और अगर आपका ट्रस्ट लेवल आपस में एक जैसा होता है, डेवलप हो जाता है, तो आप उनके साथ बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स वो आपको ऑफर करते हैं। तो इसी तरह से मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई, घर बैठ के बहुत सारे लोगों को पता चले। इससे पहले तो उसमें हफीज को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन इस इंटरव्यूज लाइव करने से लोग मुझे जानना शुरू हो गए, मुझे काम देना शुरू हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है वो अब पढ़ाएं भी, जितना आपने अब तक सीखा है अगर वो आपके अपने हद तक रह गया तो उसका फायदा नहीं है, आप दूसरों को सिखाना शुरू करें। तो फिर मैंने जो जो चीजें सीखी थी मैंने उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरी जो है वो पूरी जर्नी है। इसके अलावा सुमेरा आप कुछ पूछना चाहें, शाहीन? जी मैम,
मैं फिलहाल तो अपने बारे में थोड़ा सा बता रही थी कि जी मैं मेरे ख्याल में बीच में ही रह गया था सब, कि मैं लाहौर से हूँ और मैं यानी काफी देर से इस तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले कि मैं ऑनलाइन कोई ऐसा काम कर सकूं। फ्रीलांसिंग का सुना था तो लेकिन कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इस दफा यानी कि इस सिलसिले में कई दफा स्कैम का शिकार भी हुए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की और ऐसे करते करते फिर ये जूम क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का सुना, तो उसमें सारे मेल थे वो करवा रहे थे, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है और दूसरा यानी कि घर से परमिशन भी नहीं है कि किसी मेल से इस तरह आप क्लासेस लें। तो इस तरह करते करते मुझे ऐसे बाय चांस से एक दिन आपका नजर आया, नंबर था आई थिंक किसी ने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा आपके प्रोफाइल पे गई, मैंने देखा तो फिर आपकी कुछ चीजें मैंने देखी, आपके वो इंटरव्यू आप कर रही थी, ये सारी चीजें, तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि अब एक प्रॉपर वे मिला है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो इस तरह मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आपसे बहुत कुछ सीखा, ये आइडियाज नहीं थे इस तरह से, यानी कि जिस तरह से आप सारे सब समझ आ गई है कैनवा की, उसमें किस तरह से डिजाइनिंग करनी है और इसके अलावा फाइबर पे किस तरह हमने करना है, ये सारी चीजें जो अच्छे से समझ आ गई हैं। और सबसे अच्छी आपकी यानी कि यही बात है कि आप जितनी दफा आपसे पूछो या आप बड़े यानी कि इस तरह से नहीं है कि किसी की बात काट के, या जैसे हम जितना मर्जी पूछते जाएं आप सही तरीके से बताती हैं और बड़ा ठहर ठहर के, ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं कि कुछ लोग घबरा जाते हैं जो मेरे जैसे, मैं वाकई यानी कि काम करने में मैं ठीक हूँ, उसमें ड्रेस डिजाइनिंग भी मैं करती थी, लेकिन बोलने में या इस तरह यानी कि अगर आगे से कोई थोड़ा सा इस तरह का टीचर है जो मतलब थोड़ा गुस्से वाला, ये इस तरह से होता है ना सम टाइम कि ये काम नहीं किया आपने तो ये आगे नहीं इस तरह से आप चल सकते, तो यानी कि वहीं पे रुक जाते मेरे जैसे लोग, लेकिन आप हमेशा मोटिवेट करती रही और आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बहुत कुछ सीखा और मेरी गिग भी बन चुकी है फाइवर पे, और कल तो फर्स्ट और अब पे आप मैं रैंक दूसरों कर को भी रही थी। सिखा रही हैं माशाल्लाह से, सारों की हेल्प करती हैं कि कैसे बनाना है, फोन पे कैसे करना है, लैपटॉप पे कैसे करना है, तो बड़ी माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो गई हैं। तो शाहिन, आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम हर वक्त यही कहते रहे कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ भी नहीं है, तो जैसा सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम जो चीज भी जहन में रख लें कि हमने यहाँ तक पहुंचना है और उसके लिए कोशिश करें तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, जैसे सर रेहान अक्सर कहते होते हैं कि अगर किसी को कहते हैं कि तुमने 1 लाख रुपया कमाना है फिर तुम्हारी शादी होगी, तो वो 1 लाख कमा के ही छोड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम जहन हाँ में बिठा लेते हैं बिल्कुल ना, हाँ, टारगेट बना लेते हैं कि नहीं हमने ये वाला काम जो है वो करना है और यहाँ ये चीज अचीव करनी है, अपने जहन में उसका प्रॉपर अगर हम नक्शा बना लें कि नहीं ये चीज हमने करनी है और उसके लिए हम एक्शंस उठाएं, बेशक एक्शंस छोटे छोटे ही हों लेकिन बार बार हों, कंसिस्टेंट हों, तो वो चीज हमें मिल ही जाती है। तो जब वो कहते हैं कि जब अगर आपको खौफ होता है कि हम बात नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, किसी भी खौफ को कैसे खत्म कर दिया जाता है, उस काम को बार बार करने से। ठीक है, जब एक दफा आप करेंगे तो आपका खौफ नहीं खत्म होगा, दूसरी दफा करेंगे फिर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर तीसरी दफा करेंगे तो और कम हो जाएगा। जिस चीज को भी बार 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 करते जाएंगे, जब जैसे एक बेबी जब उसकी बर्थ होती है तो माँ ही उसको हैंडल करने के लिए डरती है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, ये इतना छोटा सा है, इसको कैसे कपड़े पहनाऊं, इसको कैसे साफ करूं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बार बार करती है वो, दिन में बहुत दफा उस एक्शन को रिपीट करती है और वो ये काम उसकी जवानी तक उसके पीछे लगी रहती है। तो वो उसको क्या होता है, उसको फिर एक बच्चा संभालने, अब वो पहला बच्चा थोड़ा उसको मुश्किल लग रहा होता है, फिर जब दूसरा वो संभालती है तो वो बड़ी एक्सपर्ट हो जाती है, फिर तीसरा होता है तो वो उसके लिए नॉर्मल होता है। तो इस तरह से कोई भी काम जी है बिल्कुल उसको जब बार 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 करते रहते हैं करते रहते हैं, बोलना नहीं आ रहा तो बार बार बोलना शुरू हो जाए, शाइनेस है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना शुरू कर दें, तो जिस काम को भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो उस काम के लिए आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। और इसके में जो है सिर्फ ये है कि आपको डेली जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के उस काम को बार बार करना है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो चीज नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। तो पहले दिन जब मैंने भी वीडियो बनाई थी तो मैं बहुत ज्यादा डर रही थी
और आज मुझे एक वीडियो बनाना एक नॉर्मल बात लगती है, क्योंकि वो अब मैं बार बार कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से आप जिस चीज आप समझते हैं आपसे गिग नहीं बन रही है, ठीक है, तो इसका क्या हल है, कैसे बनेगी गिग? आपको बार बार ट्राई करनी पड़ेगी, उस चीज को समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हमारे पास तो हमारा उस्ताद यूट्यूब है, ठीक है। आप जी सबसे बिल्कुल, ज्यादा मेन इस कोर्स का जो मकसद था वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना था, कि आप अब इंडिपेंडेंट होके अपनी लर्निंग कर सकें। अब आपको कोई रोक नहीं सकता लर्निंग के लिए, अब आपको टीचर्स की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आप चाहें, इंटरनेट की दुनिया ओपन है, जो चाहें सीखना चाहें अपने क्वेश्चंस वहां पे करें, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसको आंसर लेने के बाद उस चीज को ट्राई करें, और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर दोबारा से कहीं और से उसको देखें, लर्न करें, फिर ट्राई करें। बार बार ट्राई करने से आपको कहीं ना कभी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं बिल्कुल शाहीन की तरह कि सारे शाहीन पूछना शुरू कर देंगे कि अच्छा ये कैसे काम किया था, ये कैसे आपने जो गिग है वो फर्स्ट पेज पे कैसे आप लेकर आई है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपसे सारे पूछना शुरू हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है अपना फियर खत्म करने का, ठीक जी मैम, है। ये सब करने के लिए कोई कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाए, जैसे आप हमें दिलाती हैं। तो इस तरह फिर बंदा बहुत कुछ कर सकता है, अगर आप जैसी टीचर हो तो। तो इंशाल्लाह तो अब नेक्स्ट आप भी भी अगर टीचर्स माशाल्लाह कोई, से बन चुके हैं, तो अब आप इस जो हमारा मिशन है उसको भी आगे मजीद लेके जा सकते हैं। जो चीजें आपने पढ़ी हैं आप इनको आगे तक पहुंचाएं, कि जो चीज भी आपको आती है उसको, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जब वो आप अपने आप को वहां सोचें जब आपने शुरू किया था, तो बहुत सारी खवातीन वहां पे हैं अभी। आपने उनको भी अपने साथ ऊपर लेकर आना है, उनका हाथ पकड़ कर उनको भी कहना है कि वो भी पढ़ना शुरू करें, वो भी सीखना शुरू करें। तो आप अपने अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में जो सीखा है उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। और सबसे बेस्ट वे यही है कि जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस चीज को सीखें और पढ़ाना शुरू कर दें, तो दिन ब दिन आप खुद ही उस चीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। चले, आज हमारी लास्ट क्लास थी तो मैंने सोचा कि इसको हम लाइव कर देते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो पूछना चाहते थे, उनको डाउट्स थे कि हम क्या 2 महीने में पढ़ते हैं और हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आती है, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच आप सारों ने मुझे ज्वाइन किया, और इसी तरह से अपनी लर्निंग को जारी रखें। और ये इस कोर्स के खत्म हो जाने के बाद हमारी इंटरेक्शन खत्म नहीं होती है, बल्कि और स्ट्रांग हो जाती है। ज्यादातर हम ऐसा ही होता है कि हम कोर्स करते हैं और उसके बाद हम खत्म हो जाते हैं, टीचर के साथ हमारा वैसा खत्म हो इंटरेक्शन जाता नहीं रहता। तो आपने आपस में भी दोस्ती रखनी है और मेरे साथ भी इंटरेक्शन करनी है, मेरे साथ भी इन टच रहना है, ताकि हम अपना ये जो काम है, जो मिशन है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अल्लाह मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज।